और चलिए उदयपुर हत्याकांड को लेकर जो आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, इसी को लेकर के हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी में व्यापारी और सर्व समाज, क्या अधिक जानकारी, क्या लोगों का जुटना अभी शुरू हुआ है और कितने लोग अभी तक वहां पहुंच गए हैं? शिखाल, उदयपुर में जो कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हुई थी उसको लेकर आज सर्व समाज और व्यापारियों का जो है वो बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। जयपुर के स्टैचू सर्कल पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग जो है कह सकते हैं अपना आक्रोश वहाँ पर जताएंगे। और कहा जा रहा है कि आज के प्रदर्शन के बाद में उग्र मार्च की जो है वो तैयारी वो भी की जाएगी। आपको बता दें, NIA की ओर से 10 दिन की रिमांड जो है वो आरोपियों को दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर मांग की जा रही है वो है फांसी की। सभी लोगों की जो मांग है वो ये की जा रही है कि जो आरोपी है उन्हें फांसी दी जाए, और उसी मुद्दे को लेकर, उसी मांग को लेकर आज प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। जो भीड़ है शिखा, वो वहाँ पर 9 बजे से जुटने की बताई जा रही है कि 9 बजे के बाद में 9 से 11 का जो ये प्रदर्शन है वहाँ पर 9 बजे से भीड़ 11 बजे तक वहाँ रहेगी, और जो प्रदर्शन है, जो नारेबाजी है वो लगातार वहाँ पर दिखाई देगी। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर जो तैयारियों का दौर है वो चल रहा है। और शिखा, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उदयपुर में, जिस कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद में, और उसके बाद में जयपुर में अगर हम देखें तो नेटबंदी भी लगातार चल रही है, तो उसको लेकर ये अंदाजा लगाना बहुत ही आसान होगा कि किस तरीके से लोग गुस्साए हुए हैं और किस तरीके का आक्रोश आज हमें इस प्रदर्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो दिल दहला देने वाले होते हैं। और हर किसी क्योंकि आज एक बड़ा प्रदर्शन है, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई है? अभी कोई तस्वीरें आप हमें साझा कर पाए तो बताइए, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन है आज जयपुर में। जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो पूरे की जो पुलिस जाप्ता है वो चाक चौबंद है। सुबह से ही यहाँ पर पुलिस का जो जाप्ता है वो लगाया हुआ है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी मतलब जो कि उग्र हो, जो प्रदर्शन है वो इस तरीके से किया जाए जिससे कि आमजन को कोई आहत ना पहुंचे, तो उसको लेकर पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है। और कल भी इसको देखकर व्यवस्थाएं देखी गई थी कि किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा, और जिस तरीके से स्टैचू सर्कल पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहाँ पर इसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की गई है। जी शिखा, स्टैचू सर्कल पर क्योंकि बड़ा प्रदर्शन है, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा, और क्या अधिक जानकारी तृप्ति रैली को लेकर? जी बिल्कुल, हनुमान चालीसा का यहाँ पे पाठ किया जाएगा। सर्व समाज के लोगों के साथ व्यापारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि बैठकर अपनी मांगों को बताएंगे और उन्हें सरकार के सामने रखेंगे कि उनकी क्या क्या मांग है। और उसमें जो सबसे बड़ी मांग की जा रही है शिखा, वो यही है कि चारों के चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। जो 10 दिन के रिमांड पे उन्हें आगे भेजा है उसको फांसी में बदला जाए, ये जो मांग है इसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल।